देखिए केड़ा केड़ा कटहल देखिए पूरा आछा निकल गया गम कान चला वो टेढ़ा था। हेलो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी मैं आई हूँ बंगेचा में, मैं कटहल लेने आई हूँ। आज सोच रही हूँ कि पोर्क के साथ कटहल बनाऊँ, तो इस पेड़ पे देखा यहाँ पे कटहल नहीं है तो वहाँ पे दिखा था, तो वही लेके जाती हूँ। मैं नज़दीकी है तो चलिए वो कटहल को निकाल लेते हैं। और इधर देखिए यहाँ पे जो है ना थाराई बोलता है, बोड़ो में ना थाराई बोलता था ना थारा, ये भी बहुत टेस्टी होता है। सोच रहे थे कि इसको भी लेके जाएंगे लेकिन आज नहीं, किसी और दिन मैं रेसिपी बनाऊँगी। तो चलिए पहले कटहल निकाल लेते हैं। ये देखिए केड़ा केड़ा कटहल चले गए। ये भी कटहल तो ले लिया, अभी इधर केला भी लगा है तो वो भी ले लेते हैं। छोटा ही है ना, होगा वही रियान खाता है बहुत केला। थोड़ा ध्यान से, छोटा मतलब काफ़ी छोटा है, मतलब इधर ध्यान से। ओहो पकड़ लिया क्या, अरे हे ही नहीं फल ज़्यादा। कोई नहीं, ये होने से भी चलेगा रियान के लिए, चलो कोई नहीं। कटहल लेके आ गए हम लोग और रियान इधर खेल रहे। क्या खेल रहे है रियान? दुकान दुकान दुकानदार। कौन दुकानदार है? आबे ना रियान? आबे दुकानदार। क्या क्या खरीदा रियान ने? हल्क पिस्टल कार बर्ड बा। ठीक है ठीक है, रोज यही खेल रहे रियान। रियान को बेजी लगाया था ना, सुई लगाया था ना, फाइव इयर्स का सुई लगाया था, अभी चल पा रहे। ओ दिखाएगा बच्चा। ओहो ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर किधर और ऊपर। चलो कोई नहीं बाबा, कोई नहीं कोई नहीं, दर्द होगा फिर से। रियान को दर्द हुआ था? हाँ अभी ठीक, एग्जाम खत्म हो गया ना तो सुई लगाया, उसके बाद तो दो दिन ऐसे बिस्तर में था ना, अभी खेल पा रहा है। देखो वाह वाह, अभी तो डांस भी कर पा रहा है। और ये देखिए पोर्क, पोर्क को ड्राई करने के लिए सुखाया था, तो इसके साथ ही मैं जैक फ्रूट बनाऊंगी। तो जैक फ्रूट काट रहे। रियान क्या खा रहा है? एग बॉयल खा रहा है रियान ना, अभी को देख रहा है काटता हुआ। देखिए पूरा आछा निकल गया गम। भागो भागो रियान, दूध दूध निकल गया। कितना निकलता है, हाथ पूरा गंदा हो जाता है काटने से ना, काला। बबल गम, बबल गम है बोल रहे हैं रियान। उमा जाग ना जाया साया ने, तुम नहीं खाते हो पोर्क, कुछ भी नहीं खाते, चिकन भी नहीं खाते हो, बस दाउदी खाते हो और फिश खाते हो ना रियान। ट्राई करोगे आज कटहल के साथ? एक्स के साथ दो मिक्स करेगा। ओ हो ठीक है, रियान बनाएगा तो ये वाला, ठीक है बनाएगा ना। क्या हुआ रियान, वेकेशन एंजॉय कर रहे? नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल घर, वही तो वेकेशन है बाबा। उसको लगता है कि घूमने जाने से वेकेशन होता है, घर में भी वेकेशन होता है। हम लोग घर में मनाते थे वेकेशन, काम सीखते थे हम लोग। तुम्हें भी सीखना पड़ेगा, ठीक है सीखेगा। दुकान तो बने ना हम, ओ दुकानदार बना। काम चला वो टेढ़ा था और मेहमान आए हमारे घर में कोकराझार से, पापा लोग, ससुर जी और आबे भी, हमारी ग्रैंड मदर भी। फिर खाना ही नहीं, आबे मन फिर हमें खुलूम दे, नमस्ते दे, थैंक यू बोलो, थैंक यू। ब्राउनी है ना, बांध के रखना पड़ रहा है नहीं तो चला जाता है। अच्छा नहाया है, गंदा हो गया था पीछे। वीडियो बनाते बनाते मेहमान आ गए थे, वो मेरे सास ससुर है कोकराझार से आए थे, तो अभी जस्ट चले गए, अंधेरा भी हो गया, तो अभी जल्दी से बनाते हैं। जैक फ्रूट और पोर्क का सब्जी में जो है मैं आलू भी देने वाली हूँ, तो अभी आलू काट रही हूँ। पहले मैं जैक फ्रूट और आलू को थोड़ा बॉइल करूंगी, तो अभी इसको पहले काटते हैं।
तो अभी मैंने पोर्क और जैकफ्रूट और आलू को धो दिया। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे मैंने आलू और जैकफ्रूट लिया है, तो इसको जो है ना अभी मैं बॉईल करने वाली हूँ। माँ ने जो है ना छोटे छोटे पीस में काट दिया जैकफ्रूट को, तब इसको बॉईल करते हैं। पहले पानी मैंने बिठा दिया है, थोड़ा सा नमक देके अभी यहाँ पे मैं जैकफ्रूट बॉईल करूंगी। अभी मैं जैकफ्रूट को 10 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। तो जैकफ्रूट हमारा बॉईल हो गया, मैंने इसको 10 मिनट के लिए बॉईल किया था। और इस साइड पे अभी मैंने बिठा दिया है कढ़ाई, तो यहाँ पे अभी चिली पोर्क फ्राई करते हैं। पहले कढ़ाई गर्म हो गया तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल देते हैं। तेल गर्म हो गया तो अभी मैं यहाँ पे जीरा दूंगी, प्याज और मिर्ची। प्याज को मैंने बढ़िया से फ्राई कर लिया है, तो अभी यहाँ पे पोर्क दे देते हैं। अभी यहाँ पे मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट। और इस पर अच्छे से फ्राई करते थोड़ा टाइम ढक के रख देते। तो पोर्क को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, तो अभी मैं यहाँ पे ऐड करूंगी टमाटर। टमाटर को अभी गलने के लिए थोड़ा टाइम ढक के रख देते हैं। टोमेटो अच्छे से गल चुका है और पोर्क भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अभी यहाँ पे ऐड कर देते हैं बॉईल करके रखा हुआ जैकफ्रूट और आलू। तो अभी मैंने पोर्क और कटहल को भी अच्छे से साथ में फ्राई कर लिया, तो अभी मैं यहाँ पे पानी ऐड कर देती हूँ। वैसे भी थोड़ा सा कुक हो ही गया है बॉईल करते वक्त, मैं थोड़ा ही पानी दूंगी। थोड़ा सा ग्रेवी बनाएंगे हम इसको, थोड़ा सा पानी सूखने के लिए छोड़ देते हैं, अभी ढक के रख देते। बढ़िया से ग्रेवी जो है ना सूख गया है, तो अभी यहाँ पे जो है ना धनिया दे देते हैं और हमारा ये जैकफ्रूट और पोर्क का सब्जी जो है ना रेडी है बिल्कुल। तो गाइस अभी मैं डिनर करने बैठ गई, सब लोगों ने खा लिया, तो अभी मैं खाने वाली हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोर्क कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। वैसे भी जैकफ्रूट का सब्जी जो है ना बहुत टेस्टी होता है, चिकन जैसा लगता है, और पोर्क के साथ बनाने से तो और ज्यादा टेस्टी होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जैकफ्रूट जो है ना ओवर कुक हो गया, लेकिन हमारे घर में ना ऐसा ओवर कुक ही पसंद करते, तो इसलिए मैं ऐसा ही बनाती हूँ। और ऐसा डिनर में जो है ना ओनला भी है, तो ये वार्षिकी बीवार के साथ बनाया था, जो बड़े लोग है वो लोग तो समझ गए होंगे। थोड़ा वो बिटर फ्लावर होता है उसके साथ बनाया, बहुत टेस्टी होता है। तो ये दिन का ही है लेफ्ट ओवर जो ओनला होता है ना उसका टेस्ट अलग ही होता है, मतलब बासी ओनला का। तो अब जल्दी से मैं डिनर कर लेती हूँ और चलिए पोर्क पहले खाते हैं। बहुत टेस्टी हुआ है, बढ़िया से कुक हुआ है।